आज से जो रील हम बनाएंगे ना, इसके फायदे मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। जिन लड़कियों की चाहत है कि उनके बाल मोटे बनना शुरू हो जाए, यानी झड़ चुके हैं, चोटी बहुत पतली बनना शुरू हो चुकी है, आप चाहते हैं कि चोटी के अंदर थोड़ा वॉल्यूम आए, जब आप चोटी बनाएं तो वो थोड़ी अच्छी दिखे, थोड़ी भारी दिखे, थोड़ी मोटी दिखे, तो आज का ऑयल आपके बालों को मोटा बनाएगा। ये कोई मैजिक नहीं है कि जब आप इसको लगाएंगे तभी के तभी बाल आपके मोटे हो जाएंगे। इसको रिजल्ट्स देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंसली आप इसको यूज कर सकते हैं। जिन लड़कियों को लगता है कि उन्होंने कभी लाइफ में कलर करवाया था और कलर करवाने से बाल डैमेज हो गए हैं, अभी तक सेट नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक बीच में से टूटे जा रहे हैं, तो भी आप आज के हेयर ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है, आपके बालों में वॉल्यूम लाएगा, आपके बालों को मोटा बनाना शुरू कर देगा और आपके बालों को बेहतरीन रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके स्कैल्प को प्रोटीन देगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल हम बनाएंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन ही वो चीज़ है जो आपके बालों को मोटा बनाने में आपकी मदद करती है। तो बिना देरी किए ऑयल बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को एज यूजुअल पसंद आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए फिर हेयर ऑयल आज का हम बना लेते हैं। मैं शुरू हो गई है, गर्मियों के लिए बेस्ट हेयर ऑयल है ये, आपके बालों को मोटा भी बनाएगा गर्मियों में और आपके बालों की लेंथ को भी इंक्रीज करने में मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं इसका ग्रीन कलर है, यानी कि ये है ओलिव ऑयल। मैंने लगभग 50 ml के करीब ओलिव ऑयल लिया है। अच्छा, गर्मियों में आपको ना तो सेसमे ऑयल यूज करना है, अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट देती है, बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो सेसमे ऑयल का अगर आप यूज करेंगे ना तो आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो सेसमे ऑयल को आप किसी और ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने 50 ml के करीब ओलिव ऑयल लिया है। ओलिव ऑयल में ही आप इस ऑयल को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है चावल, राइस हेयर ऑयल बनाने जा रहे हैं घर पे ही, और ये इतना पावरफुल होगा कि आपके बालों की हर एक समस्या को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद आपको लेना है फ्लैक्स सीड। ये क्या करेगा, आपके बालों में वॉल्यूम लाएगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं और बहुत मतलब कि चिपके चिपके से रहते हैं ना, तो उसके अंदर वॉल्यूम लेके आएगा और आपके बालों को काफ़ी अच्छा बनाने में मदद करेगा, आपके बालों को ग्रो करेगा, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से करके पैक और घुमा लेना है एक बार। इस तरीके से आपका ऑयल बन जाएगा। अभी आपको इसे हीट देना है, मतलब कि डबल बॉइलिंग प्रोसेस से हम इसको पकाएंगे। तो पहले बाउल रख देना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है हल्का फुल्का वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमारा जो ऑयल है उसे हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। अच्छा, जो लड़कियां गर्म नहीं करना चाहती हैं ऑयल को, वो इसको 7 दिन के लिए बाहर धूप में रख सकते हैं। इसी कांच की बोतल में डालें और इसको 7 दिन के लिए आप धूप में रखें और आपका जो ऑयल है वो बनके तैयार हो जाएगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना है, सेसमे ऑयल यूज़ नहीं करना है। आप एक बार इस ऑयल को ओलिव ऑयल के साथ बना के ज़रूर देखिएगा। मैंने ये वाला ओलिव ऑयल यूज किया है, आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फिगारो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑयल आपको ओलिव ऑयल के अंदर ही बनाना है। ओलिव ऑयल के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप सिंपल ऑयल भी लगाएंगे ना तो दो मुँह बाल चले जाएंगे, वॉल्यूम आएगी, सिल्की बनेंगे बाल, स्ट्रेट बनेंगे बाल, शाइनी बनेंगे बाल, मजबूत बनेंगे। तो अभी हम इसको पका लेंगे कुछ देर के लिए, लगभग लगेंगे आपको 10 से 11 मिनट। तो अच्छे से इसको पका लेना है। देख सकते हैं धीरे धीरे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है, ये देखिए फ्लैक्सीड ब्राउन कलर का हो गया, यानी पकना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आपको पकाना है। ओके, बहुत अमेजिंग हेयर ऑयल है। अगर आपको लगता है कि आपके बालों की जो रूट्स कमज़ोर हो गई हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो भी आप इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। तो बीच बीच में आपको इस तरीके से स्पून के साथ इसको हिलाते जाना है ताकि ये जले ना और हमारा ऑयल अच्छे से बन के तैयार हो जाए, इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पक जाएं। तो इस तरीके से, और जैसे ही आपको 10 से 11 मिनट हो जाएंगे फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ऑयल बन के तैयार है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और जो हमारे चावल और फ्लैक्सीड है वो नीचे बैठ चुके हैं। आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही एक जार के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए ऑयल बन के तैयार है, और ये जो नीचे वाला है इसका भी कोई फ़िलहाल यूज़ नहीं है। आप चाहें तो इसको एज ए स्क्रब यूज कर सकते हैं, सिर्फ एज ए स्क्रब। इसको ये आप देख रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन आपका स्क्रब बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और ये हमारा जो ऑयल है वो बन के तैयार है। अब आपको लगाना है ढक्कन, लीड,
और आप इसको बिना किसी टेंशन के बेझिझक होके इस ऑयल को यूज कर सकते हैं गर्मियों के दौरान। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही बेहतरीन ऑयल है, बहुत अमेजिंग ऑयल है आपके बालों में चमक लाने के लिए और बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ही बना के देखें, अगर आपको सूट करता है तो आप डेफिनेटली इसको और ज़्यादा बना सकते हैं। इसको पूरी गर्मी आप यूज कर सकते हैं लगभग 3 या 4 महीने के लिए। देखा गाइज आपने कितना आसान है ऑयल बनाना, इसके अंदर फ्लैक्सीड भी डालना है, इसके अंदर आपको चावल भी डालना है, दोनों के अंदर प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो धीरे धीरे करके आपके बालों को मोटा बनाना शुरू कर देता है। फ्लैक्सीड आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा, लेके आएं और इस ऑयल को बनाएं। और जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि पहले थोड़ा सा कम मात्रा में बना के देखें, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं कम मात्रा में बनाएं, अगर आपको लगता है कि शूट कर जाएगी वो आपको, तो आप उसको और ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। ओके, तो इस ऑयल की मसाज आपको रात में करनी है। अब बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आएंगे कि क्या हम इसको 2-3 दिन के लिए लगा के घूम सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपका कोई बेसिक ऑयल नहीं है, हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अगर आप ऐसी कोई ऑयल को लगा के बाहर धूप में घूमेंगे, बाहर जाएंगे, धूल मिट्टी डस्ट चिपक जाएगी, तो हो सकता है कि वो आपके बालों में साइड इफेक्ट कर जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस ऑयल को सिर्फ रात में सोने से पहले लगाएंगे, अच्छे से चम्पी करेंगे, स्कैल्प पे बिल्कुल भर भर के लगाना है, हेयर लेंथ पे भी आपको लगाना है, और लगा के आप या तो चोटी बनाए जुड़ा हुए, जैसे भी आप कंफर्ट है वैसे आप सो सकते हैं। अगर आप पूरी रात भर नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट इसको सुबह लगाएं और शाम को या फिर दोपहर को आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे ये आपके बालों में लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ 1/2 घंटा लगाएंगे, 1 घंटा लगाएंगे, तो ये अपना पूरा बेनिफिट आपके बालों पे नहीं दे पाएगा, और फिर आप कमेंट्स करके बोलेंगे कि ऑयल ने मेरे बालों पे कोई फर्क नहीं डाला है। इसीलिए एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आप इसको जरूर लगा के छोड़ देंगे। इसके बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप इसे अपने बच्चों पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की स्कैल्प पे बाल बहुत ज़्यादा कम है, तो इस ऑयल को एक बार जरूर लगा के देखिएगा, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत सारे लोगों को मिले हैं। मैंने बहुत पहले किसी को बताया था कि आप चावल का ऑयल बना के इस तरीके से लगाएं, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो वीक में आप इसे 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। 3 बार 2 बार 4 बार तो आपको हेयर वॉश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हेयर वॉश करेंगे ड्राई बाल हो जाएंगे और फिर वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस ऑयल को बनाना है, मेरे पास कमेंट्स करना है जो भी इसको ट्राई करने जा रहा है। अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो भी मेरे साथ शेयर करना है, जस्ट नहीं मिलते हैं तो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा एक और दूसरा चैनल है द कुसुम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जो फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे व्यू प्रोडक्ट्स आ जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल आएंगे, आप यहाँ से प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, ओलिव ऑयल के, कोकोनट ऑयल का आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। ओके, ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बुतरा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।